बीजेपी तो कोई मतलब की नहीं है, ना तो किसी आदमी की है, ना सरकार तो। ना तो कोई किसान का मतलब वो कर रही है, किसान के लिए तो सब चीज कर दिया महंगा सब, क्या आदमी क्या खाएगा क्या करेगा, बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, क्या करेंगे हम लोग पढ़ पढ़ के लिख लिख। लग रहा है प्रियंका गांधी जी की रैली से प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा किसानों के मुद्दे उठाए जाएंगे, गरीबों के मुद्दे उठाए जाएंगे लग रहा है, क्या होगा। अच्छा, हाँ क्या क्या बातें कर सकते हैं प्रियंका गांधी जी, जो वो बोल रहे हैं वो बातें पक्के जाएंगे। हाँ 500 सीटें लगभग आएंगे, 200 पार, हाँ बहुत बड़ा नंबर बता रहे हैं बिल्कुल। और जो और पार्टियां उनका फिर क्या होगा, कहानी खत्म। अच्छा कहानी खत्म, 200 से ऊपर है खेलो, 200 से ऊपर खेलो, 200 ऊपर, आप भी बहुत बड़ा नंबर बता रहे हैं, 200 और झूठ बोल। जनता की नजर में, हाँ जनता देख रही है क्या होगा और क्या नहीं होगा, जनता को सब कुछ पता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। लग रहा है कि आप लोगों का किया कांग्रेस सरकार, जो हम आए हैं हमारा हौसला बुलंद है और हमारा काम पूरा होगा। अच्छा क्या करें, तो क्या नाम है भैया आपका? जीत बेगम सिंह गुर्जर, गिरगांव से हूँ। कहाँ से आए? गिरगांव। अच्छा कौन से विधानसभा? ग्वालियर। हाँ, ग्वालियर ग्राम। तो ये बताइएगा कि प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं तो कितना प्रभाव पड़ेगा इनका? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए। अच्छा हाँ जी, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव हम जीते ही हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल था। हाँ। और उसी माहौल से प्रेरित होकर ये वाला, जैसे यहाँ पे भी बहुत अच्छा माहौल है, आप देख ही रहे हैं कितनी जनता है। हाँ। पूरा टेंट भरा हुआ है, मेरे ख्याल से 1,00,000 से ऊपर होगी जनता। अच्छा, तो ये बताइएगा कि जैसे यहाँ पे सिंधिया जी का गढ़ बोला जाता है ग्वालियर, और यहाँ पे प्रियंका गांधी जी हैं जो सेंध लगा रही हैं, तो इस पर इसको आप सेंध लगाना नहीं कहेंगे, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, वो अपना प्रचार करेंगे। कुछ दिनों बाद हो सकता है बीजेपी की मतलब सभा होगी। हाँ। तो इसमें आप सेंध लगाना नहीं कहेंगे। अच्छा। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तो लग रहा है कि फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा। बहुत, आप देख नहीं रहे जनता, देखो फर्क तो पड़ चुका है। इस बार हर किसी के मुंह से हम यही सुन रहे हैं कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, कांग्रेस की, हर किसी से, यहाँ जितने भी लोग कह रही है तो चलो कांग्रेस ही मान लीजिए। लोग ये क्या क्यों रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? क्योंकि त्रस्त है लोग, बीजेपी 20 साल से है। अच्छा, त्रस्त है लोग, परेशान है, यही रीजन है कि लगातार 20 साल से इसलिए जनता में, ये प्रदेश में सब जगह त्रस्त है। अच्छा, हर जगह महंगाई, और फिर भाई मुझे तो विश्वास नहीं है, सही होता हूँ, मुझे प्रॉपर बीजेपी से थोड़ा सा नहीं है। अच्छा। मन नहीं मानता अपना, तो लग रहा है आपको कांग्रेस सरकार आएगी? नहीं चाहिए। कितनी सीटें? अब सीट तो देखते हैं कितनी आती है, वैसे तो कितनी लगभग इसमें अपना आइडिया नहीं दे सकते। आप कहाँ से आए? साथ में ही हैं? हाँ भैया हमारे। कहाँ से आए हैं? सर मैं मेगा विधानसभा से आया हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है यहाँ का माहौल, प्रियंका गांधी जी आ रही हैं? माहौल सर कुछ ठीक ठाक ही है, और प्रियंका गांधी जी का अच्छा सा प्रभाव लग रहा है, और ग्वालियर में सीटें अपनी काफी सारी निकलेंगी। अच्छा। और मेगा विधानसभा से हमारी सीट निकलेगी। ठीक लग रहा है आपको? जी सर। आप कहाँ से आए हैं? 14 ग्वालियर ग्रामीण। अच्छा, ग्वालियर के ही हैं। हाँ। तो प्रियंका गांधी जी आ रही हैं, रैली में आए हैं आप? हाँ जी। अच्छा, कितने लोग आए आपके यहाँ से? बहुत लोग आए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव में? कांग्रेस आ रही है। कितनी सीट है? पूर्व बहुमत। आप कहाँ से आए? लाहौर से, जिला पिंड। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, जो और भाजपा सरकार भ्रष्ट को मिटाना है और लठ दे के मरवाना है। प्रियंका गांधी जी से जनता खुश है? बहुत खुश है। अच्छा हाँ, खुश है बहुत। आपको क्या लग रहा है, आप बुजुर्ग हैं, आपने राजनीति का आपको बहुत अनुभव होगा, करते करते कितनी सीटें आ गई होंगी? कम से कम पूर्व बहुमत से आए, पूर्व बहुमत आए। हाँ, ऐसा तो नहीं थोड़ी बहुत कम जाता रहे तो सरकार भी कम नहीं होगी और न होन ले। अच्छा, क्या हमारी जान चली गई, हमारे पीछे कम से कम 1,000 आदमी है, उनका ऐलान है, मतलब इतना जोश है कि जान चली जाए पर कांग्रेस नहीं हराएंगे? नहीं, कांग्रेस नहीं हराएंगे। अच्छा, कुछ भी चाहे मूड कट जाए। अच्छा, इतना जोश। हाँ, इतना जोश लाए कहाँ से? प्रियंका गांधी जी वाला है। हाँ। अच्छा, वही जोश है? वही जोश। अच्छा, इस रैली का? रैली का। आप कहाँ से आए? मेंदोली से। अच्छा, क्या लग रहा है इस चुनाव में? अच्छा लग रहा है, प्रियंका गांधी जी आई है, क्या माहौल फर्क पड़ेगा यहाँ का? हाँ, ऐसा लग रहा है। लग रहा है? हाँ। अच्छा, लग रहा है कि सरकार बन रही है? हाँ, ऐसा लग रहा है अभी देखने, मामला देखने से। आपका क्या नाम है? अशोक। कहाँ से आए? दिवनी विधानसभा क्षेत्र से, रविंद्र सिंह तोमर जी। अच्छा, यहाँ पे आप ये बताइएगा कि प्रियंका गांधी जी आई हैं? अरे, प्रियंका गांधी जी के आगमन में कम से कम आधी जनता अभी आई है। हाँ, आधी जनता ग्राउंड में, आधी जनता तो बाजार के अंदर है, कब कोई जाम में फंसा है, कोई कहीं फंसा है। अच्छा, इतनी पब्लिक है कि शायद बीजेपी की सरकार में अभी तक कोई पब्लिक इतनी नहीं है, ग्वालियर के अंदर नहीं आई, इतनी पब्लिक है। मतलब आप कह रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ दिए? रिकॉर्ड तोड़ नहीं, इतना रिकॉर्ड तोड़ से कांग्रेस निकलेगी यहाँ से, कमलनाथ की नेतृत्व में इतनी सरकार अच्छी चलेगी और इतनी अच्छे काम होंगे से ज्यादा। सरकार तो पिछली बार भी बनी थी, फिर वो सरकार गिर गई।
ओ सिंधिया जी की देन है, सिंधिया जी को बताने के लिए ये आई है ना, ये गढ़ भी तो सिंधिया जी का बोला, तो वही तो दिखाने के लिए आए कि सिंधिया जी देख लो तुम्हारे तुम्हारे क्षेत्र में ये पब्लिक कितनी रुष्ट है। अच्छा, ये तो दिखाने के लिए आए सिंधिया जी को, सिंधिया जी से नाराज है बहुत ज्यादा। सरकार कौन सी बनेगी? अच्छा बनेगी, क्या कह रहे हैं आप? अब बढ़िया कांग्रेस सरकार बनेगी, बनेगी जरूर। कहाँ से आए? यही मुरैना से। मुरैना से आए विधानसभा क्षेत्र जी। अच्छा ये बताओ कि बीजेपी से क्यों परेशान है? बीजेपी परेशान जी, अगर लाइट ना पहुंच रही, खातु ही ना मिल रहा किसान, आप आम जनता या कांग्रेस के कार्य? आम जनता है, तो कार्यकर्ता का अधिकारी सब भ्रष्ट है, सब टोटल घोटालेबाजी हो रही है, सब टोटल। इतना जो अधिकारी है ना, सब घूस चल रही है, सब घूस। जनता पार्टी जी का खरीद रही है, पैसा दो काम कराओ, पैसा दो काम कराओ। पूरे चंबल संघ में कांग्रेस आ गई, पूरे चंबल संघ, पूरे चंबल संघ, पूरे मध्य प्रदेश में आ जाएगी ना, पूरे मध्य प्रदेश में फुल बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, फुल बहुमत से। बीजेपी का सपाया, बीजेपी का सपाया है, सपाया सुपड़ा साफ, अच्छा सुपड़ा साफ बीजेपी का। चलिए आप बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि यहाँ की जो जनता है परेशान है, तो क्या लग रहा है आज प्रियंका गांधी जी आई हैं तो किसानों का मुद्दा, आम जनता का मुद्दा उठाएंगी रैली में? जरूर जरूर। अच्छा, जरूर उठाएंगे, उठाएंगे, प्रभाव पड़ेगा बहुत जरूर। ये प्रभावी तो दिख रहा हो, ये दिख रहा है आपको। अच्छा। सब जनता जी, सब पूरी जनता फन्ना रही। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? सुमावली विधानसभा से, अजब सिंह कुशवाहा के समर्थन में। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, प्रभाव पड़ेगा प्रियंका गांधी? जितना पड़ेगा, प्रियंका गांधी से 200 पार सीट होंगी। 200 पार, बहुत बड़ा नंबर बता दिया आपने। हाँ हाँ, 200 पार। बीजेपी सरकार में तो बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, यहाँ पे ग्वालियर में पता है 16 लाख 2, 15 लाख 2 पटवारी की नौकरी लो। अच्छा हाँ, अच्छा 16 लाख 2, 15 लाख 2 पटवारी। हाँ, पटवारी के सिपाही बनो 15 लाख, रुपया अपना नौकरी ले जाओ। ये बीजेपी सरकार में चल रहा है। किसान 2 लाख अभी मामा जी ने, क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान जी ने करवाया था कजू जीवन में। अच्छा, भर्ती हुआ मोड़ने की तो खानी के तम कर दी, 4 साल की भर्ती कर दी। पढ़ने वाले जो आए ना तो रह जाते हैं, नेता नगरी में इनकी बीजेपी सरकार से बेलग रहे हैं। बीजेपी तो गुंडागर्दी चल रही है, झूठा झूठ पैसा का मेरा दो नंबर में, और कोई व्यवस्था नहीं बीजेपी सरकार है ही। बीजेपी की और किसकी है? अरे गांधी जी आई है तो बीजेपी सरकार है ना, किसान का बहुत हर एक चीज, राशन महंगा कर दिए, किसान की चीज मर्दी कर दी है, दूध है, दूध का रेट कम कर दिया है, फर्क पड़ेगा बिल्कुल। कांग्रेस सरकार आई है तीना, जब 2020 में तो दूध की रेट 55-60 रुपए लीटर थी, अब दूध की रेट 40 रुपए लीटर रह गई है। हाँ, लग रहा है इसमें बिस्लरी की बोतल भी महंगी है। अच्छा हाँ, दूध के आगे दूध। तो कांग्रेस की सरकार आपको दिख रही है? बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल। कितनी बता रहे हैं आप सीटें? पूरी धरी है कांग्रेस ही, तो कांग्रेस की पार होगी 200 पार। आप कहाँ से आए? मैं आया सोनिया से। अच्छा, लग रहा है आपको माहौल चेंज हो रहा? माहौल चेंज होगा, होगा जितना चेंज बीजेपी सरकार 100% हाँ। और बीजेपी तो कोई मतलब की नहीं है, ना तो किसी आदमी की है, ना सरकार, ना तो कोई किसान का मतलब वो कर रही है किसान के लिए, तो सब चीज कर दिया महंगा सब, क्या आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा? बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, क्या करेंगे हम लोग पढ़ पढ़ के लिख के? अच्छा। पढ़ाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं। हाँ। नौकरी लग रही है तो क्या है, पैसे लाओ, पैसे 7 लाख 8 लाख 20 लाख, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिलती है, खा जाते हैं दलाल लोग, क्या करें? तो लग रहा है आपको बदलाव हो रहा है? बदलाव हो रहा है, हो सकता है, हो भी रहा है, थोड़ा थोड़ा, ऐसा बात नहीं है। हाँ, तो आप कहाँ से आए दादा? सिवनिया। अच्छा, लग रहा है आपको प्रियंका गांधी की रैली से कुछ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, सरकार बनेगी कांग्रेस की, सरकार बनेगी बिल्कुल। कितनी सीटें लगभग आएंगे? 200 पार। 200 पार, बहुत बड़ा नंबर बता रहे हैं बिल्कुल। और जो और पार्टियां उनका फिर क्या होगा? कहानी खत्म, कहानी खत्म। अच्छा, कहानी खत्म, मतलब ऐसा तो नहीं है कि जोश में बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं, जोश में नहीं, होश में बोल रहे हैं भैया। अच्छा हाँ बिल्कुल, 200 बहुत ज्यादा होती हैं? ज्यादा नहीं होती, हमारे लिए तो बहुत कम है अभी तो। अच्छा हाँ, चलिए आप कहाँ से आए हैं? मुरैना से। अच्छा, मुरैना से। मुरैना का क्या प्रभाव है? बढ़िया। अच्छा, और यहाँ प्रियंका गांधी जी आ रही है, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। लग रहा है कि कांग्रेस, कांग्रेस 100%। अच्छा, 100% कांग्रेस। कितनी सीट है? 200 से पार। अच्छा, तो आप भी 200 पार? 200 से पार। अरे बड़ा नंबर होता भैया, हम तो 200 से पार। अच्छा, 200 पार। कहाँ से आए? मुरैना। मुरैना ही से? आप साथ में ही हैं सभी जी?
अच्छा लग रहा है प्रियंका गांधी जी की रैली से प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा, किसानों के मुद्दे उठाए जाएंगे? उठाए जाएंगे। गरीबों के मुद्दे उठाए जाएंगे? उठाए जाएंगे। लग रहा है? लग रहा है, लग रहा है। क्या होगा? अच्छा, हाँ क्या क्या बातें कर सकते हैं प्रियंका गांधी जी? जो वो बोल रहे हैं वो बातें पक्के जाएंगे। जाएंगे, हाँ। 500 का सिलेंडर 1,500 रुपए मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी लाडली बहन योजना से मामा जी भी 1,000 रुपए दे रहे हैं। 1,500 दिए जाएंगे। अच्छा, हाँ। वो कह रहे हैं 3,000 दिए जाएंगे। वो 3,000 बोलेगा तो उससे भी ज्यादा दिए जाएंगे। घोषणा करता रहता है। मेला ग्राउंड में सरकार बन चुकी। राकेश मावई, राकेश मावई, राकेश। आप कहाँ से? प्रियंका गांधी जिंदाबाद। कमलनाथ जिंदाबाद। गांधी जिंदाबाद। रुक जा, रुक जा, रुको रुको। आप कहाँ से आए? मुरैना से। अच्छा, मुरैना ही से, साथ में ही है। क्या लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, सिंधिया जी के गढ़ में आई है प्रियंका? सिंधिया जी के गढ़ में आई है तो अपने घर आई है तो। अच्छा, हाँ। अपने घर आई है। और क्या? अच्छा, लग रहा है आपको कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, सरकार बनेगी। अच्छा, कितनी सीट समझ रही? वही 200 के ऊपर है। खेलो 200 के ऊपर खेलो। 200 ऊपर, आप भी बहुत बड़ा नंबर बता रहे। 200 झूठ बंद। जनता की नजर में, जनता देख रही है क्या होगा और क्या नहीं होगा। जनता को सब कुछ पता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। लग रहा है कि आप लोगों का की आंकड़े जो हम आए हैं, हमारा हौसला बुलंद है और हमारा काम पूरा होगा। अच्छा, क्या करें? इधर ही आ जाओ ना, इधर आओ। प्रियंका गांधी जिंदाबाद। भैया बुन्नी भैया। अभी नाम बताइए आप। मेरा नाम रूप सिंह से करवा। अच्छा, ये बताइएगा कि माहौल यहाँ पर कांग्रेस का लग रहा है, प्रियंका गांधी जी आई हैं, उनकी रैली है, तमाम भीड़ हुई है बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो इससे सिंधिया जी के गढ़ में आई हैं, और क्या लग रहा है इससे आपको? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, वो तो जीत हो गई। अच्छा, जीत हो गई। बिल्कुल। अच्छा, चुनाव हुआ नहीं, आपने जीत बता दी। अरे हमारे हाथ में चुनाव, अंगूठा जिंदाबाद। अच्छा, आपके हाथ में? तो ये बताइए कि कितनी सीटें लगभग जीत जाएंगे? 200 गिनती है। कहाँ कहाँ है? 230 पूरी बनेगी। क्या कह रहे हैं आप? मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस की बनेगी और पूरी की पूरी सीट आएगी। मतलब क्या नाम है फिर? बीजेपी कहाँ जाएगी? बीजेपी कुर्सी छोड़ के तेल वाले में जाएगी। बीजेपी मर गए, गैया रखाए रखाए गए, कमजोर शरीर है वो। अच्छा, 1,000 रुपया मान लुगाई खरीद ली भाई। बहना था, जिए का चुना था। 1,000 रुपया आए हैं? 1,000 आए हैं? 1,000 में खरीद ली बहना था। अच्छा, खरीद ली। पूरी सीट है? अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस की बनेगी, पूरी पूरी सीट आएगी। बीजेपी 0 में 0 रहेगी। अच्छा, 0 0 बहुत बड़ा आपने बता दिया नंबर। पूरी सीट है, ठीक है। अच्छा, चलो आस रहे हमें। अच्छा, जीजी खरीद ले। जीजा कहाँ जाएंगे? क्या कह रहे हैं अपनी जीजी ने? तो 1,000 रुपया देते हैं, अब जीजा कहाँ जाएंगे? अच्छा, जीजाओं को भी देना चाहिए ना। अच्छा, जीजा को भी कुछ मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जीजा को कुछ मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? अभी आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आ जाएगी। आएगी ना कांग्रेस, तो इसी वजह से आएगी। अब बीजेपी से मांग क्यों कर रहे हैं? मांग क्यों? यही तो कमियां है। अच्छा, फूट पाट दिए ना हमारी घरवालियों को। उनको करना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस के कार्यकर्ता या आम जनता है? नहीं, कांग्रेस के। बिल्कुल कांग्रेस के। बिल्कुल कार्यकर्ता। अच्छा,